हम लोग का यहाँ का जो चावल मार्केट है आटा नहीं मिलेगा, सिर्फ चावल ही मिलता है। रहा देखिए चावल ले लिया है। चलिए जी, अरे भैया ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग अभी थोड़ा टाइम प्रे कर लेता है। आमीन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी बजकर सुबह 8, आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी निकल चुके हैं दोस्तों बाजार जाने के लिए, और देखिए बच्चों लोग भी स्कूल के लिए तैयारी कर लिया है, और इधर एक मोना ले लिया है। हम लोग 3 हफ्ता का बाद आज बाजार जा रहा हूँ। हम लोग 3 हफ्ता से हम लोग बाजार जा नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों हम लोग रुपया नहीं मिला था। हम लोग 3 हफ्ता से हम लोग काम करने वाला जो रुपया होता है ना, वो रुपया नहीं मिला है बोल के हम लोग बाजार कर नहीं पाया। हम लोग कल हम लोग थोड़ा सा रुपया मिला है, उसी को लेके जा रहा हूँ बाजार करने के लिए। बच्चों लोग भी रेडी हो गया, दर्जा लगा दिया ना। दोस्तों हम लोग अभी बाजार आज को हम लोग यहाँ से ड्राई फिश ले जाता है। यहाँ देखिए अभी सेलिना जी ले रहा है। ड्राई फिश होने से हम लोगों का यहाँ पे जंगली सब्जी मिलता है, ये सब जंगली सब्जी का साथ पका के खा सकता है। यहाँ देखिए 65 रुपये का ड्राई फिश ले रहा है। रुपये दीजिए, चलिए ले लेता है। चलिए ड्राई फिश ले लिया है। यहाँ देखिए सूखी मछली। हम लोग इधर से थोड़ा मीट लेके जाता है। यहाँ देखिए सुअर का मांस अच्छा हो रहा है। इधर हड्डी थोड़ा ज्यादा है, हड्डी काट के निकल जाएगा ना, थोड़ा काट के निकल दीजिए ना। चलिए हम लोग आधा किलो सुअर का मांस लेके जाता है। यहाँ देखिए बहुत दिनों से दोस्तों हम लोग बाजार आ नहीं पाया, आज थोड़ा सा मीट लेके जाता है। लीवर मीट दीजिए, अच्छा नहीं है ना, अच्छा वाला लीजिए ना। रहा देखिए सुअर का मांस मार्केट, हाँ दीजिए रुपया आधा किलो सुअर का मांस का दाम 200 रुपया। रहा देखिए अभी दे रहा है रुपया, मुना पे डाल देता है। अभी हम लोग चलता है सब्जी मार्केट पे, ठीक है भैया। हम लोग का यहाँ पे दोस्तों आलू नहीं होता है, चलिए नहीं होता है। पहाड़ पे आलू इतना अच्छा नहीं होता है, उनके हम लोग सिर्फ आलू लेके जाता है। एक किलो लीजिए, ग्रीन ग्रीन है ये देखिए, आलू ग्रीन ग्रीन है। चलिए दोस्तों हम लोग अभी आज का हूँ लोकल सब्जी मार्केट पे, इधर देख लेता है। माही ये कितनी माल? 30 रुपये का दे। ये कितना? 50 रुपया। 50 रुपया बोल रहा है, चलिए 50 रुपया बोल रहा है। हम लोग ले नहीं सकेगा, एक ले लेता है 20 रुपया। चलिए वाला 30 रुपया बोल रहा था, 20 रुपया है, 20 रुपया वाला लेता है ना। चलिए एक टू ले लेता है 20 रुपया, डाल देते इधर मोना पे डाल देते। यहाँ देखिए पूरा ऑर्गेनिक सब्जी मार्केट, चलिए ले लेता है। अरे भाई राहु। चलिए दोस्तों हम लोग अभी आज का चावल मार्केट पे, हम लोग अभी चावल देख लेता है। हम लोग सोच रहा हूँ एक पैकेट लेना अच्छा होगा ना, चिकना लेना अच्छा होगा। हम लोग सोच रहा हूँ होगा एक पैकेट लेने के लिए होगा। अरे भैया चावल देखिए, हम लोग का यहाँ का जो चावल मार्केट है आटा नहीं मिलेगा, सिर्फ चावल ही मिलता है। वो मोटा मोटा वाला साइज तो नहीं है, जो मोटा एक चावल होता है ना, ऐसा खाने में थोड़ा टेस्टी लगता है, सब सब्जी उब्जी नहीं होने चाहिए, अच्छा लगता है। चलिए हम लोग एक ठू दुकान पे चावल देख लिया है, छेली नेजी का पोषण नहीं है, इधर से हम लोग देख लेता है। ये अच्छा लगता है ना, ये थोड़ा मोटा है, चावल भी अच्छा है। खाना भैया कितना कितना भैया इसका दाम? 200 रुपया। कौन बताइए ना, कोशिश किलो चावल का दाम 200 रुपया बोल रहा है। आज हम लोग चावल नहीं लेने से, खाद्य चावल नहीं है,
जो कोंडों का चावल मिला था चावल खत्म हो गया, लेगा लेगा। देखिए एक पैकेट हम लोग चावल ले रहा हूँ 900 रुपया है। चावल लेने से दो हफ्ता का थोड़ा ज़्यादा चलेगा ना। चलिए हम लोग चावल ले लिया है, रुपया भी दे दिया है, तो चलता है खा। हम लोग का खर्चा उर्चा हो गया, उठा के ले जाता है। रहा देखिए चावल ले लिया है। चलिए जी ये चावल मार्केट। अरे भैया ठीक है, हाँ चलिए जी। और देखिए हम लोग केरोसिन ले लिया। हम लोग का यहाँ पे कारेंट का काफ़ी डिस्टर्ब देता है, बोल के एक लीटर केरोसिन ले लिया। कितना है एक लीटर का? 120। एक लीटर केरोसिन का दाम 120। चलिए हम लोग का खर्चा हो गया। चलिए एक्स्ट्रा चलिए दोस्तों, हम लोग अभी बाजार करके अभी खा रहा आज को। ये रहा देखिए चावल लेके आया और बासुलों के लिए मूढ़ी लेके आया। और सेलिना जी दोस्तों देखिए मोक लेके आए सब नहाने के लिए और केरोसिन। इतना सा खर्चा कर लिया है। एक चावल हम लोग का दोस्तों दो हफ्ता का जैसे चल जाएगा। 25 किलो चावल लेके आया। चलिए घर का अंदर पे रख देता है। पकड़े जी, लेके आने का टाइम पे फूट गया है थोड़ा। इधर रख दीजिए, उधर रखिए। इतना सा खर्चा कर लिया है हम लोगों का दोस्तों। इम्पोर्टेंट एक केरोसिन था, केरोसिन नहीं होने से नहीं चलता है हम लोग का। यहाँ पे कारेंट का काफी डिस्टर्ब होता है और बच्चों लोग का भी दोस्तों एग्जाम होने वाला है। ये सब केरोसिन नहीं रहने से बच्चों लोग रात को पोर नहीं चाहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुअर का मांस का साथ पकाने के लिए हम लोग थोड़ा सा जंगली सब्जी चुनने के लिए आया। ये रहा देखिए, इधर जंगली सब्जी है। ये सब जंगली सब्जी का साथ शुअर का मांस का साथ पकाने से बहुत ही अच्छा लगता है। ये रहा देखिए, सेलिना जी ले लिया है। इधर एक चूहे। ये रहा देखिए, हम लोग हर समय पे खाता है सब शुअर का मांस का साथ। इधर रहिए, हम उधर से लेके आता है। इधर काफी जंगल हो गया, सेलिना जी इधर रहेगा, हम उधर से ले लेता है। रहा देखिए, इतना दिन इतना जंगल नहीं था, अभी बारिश गिरा है ना, ये सब बरसात का मौसम पे जल्दी जल्दी जंगल बड़ा होता है। चलिए ले लेता है। रहा देखिए, अच्छा से निकला है। हम लोग बाजार से आलू लेके आया 1 किलो। आलू का साथ खाने में अच्छा नहीं लगता है बोल के हम लोग थोड़ा जंगली सब्जी चुनने के लिए आया। चलिए ले लेता है। ए रहा देखिए, ए रहा देखिए, देखने में भी बहुत ही सुंदर है। चलिए इधर से भी ले लेता है। हाँ लीजिए, उधर से ले लेता है। ए रहा देखिए सब्जी। इधर रहिए, हम ले लेगा। ये सब जंगल पे ना ऐसा जुग होता है बोल के सेलिना जी नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए, इतना नरम नरम सब्जी है, पटक पटक करके टूट जाता है। देखिए टॉप टॉप करके आवाज आ जाता है। देखिए और है कि नहीं। हम लोग को सब्जी का जरूरत पड़ने से हम लोग ऐसा बोला जागे पे आ जाता है, आके ले जाता है। नहीं होगा ना, और थोड़ा सा मिलने से अच्छा होता था। ए रहा देखिए, इतना सा मिल गया है और थोड़ा सा हम लोग और जागे से हम लोग चुन लेता है। इधर पे नहीं है, खत्म हो गया। चलिए और जागे से और थोड़ा सा ले लेता है, और थोड़ा सा मिल जाने से हो जाएगा। आइए जी, अभी जंगल का अंदर पे घुसने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। आइए, अच्छा है ना। इधर एक ठू मिल गया है सेलिना जी आने का साथ साथ। आइए जी, ये रहा देखिए, यहाँ पे चुनने से बहुत सारे सब्जी मिल जाता है ऐसा वाला ठंडे जगह पे। ये रहा देखिए, ये पहाड़ी गुफा। ये रहा देखिए, ऐसा वाला जगह पे दोस्तों सब्जी मिलता है। हाँ ये भी बड़ा वाला है ना। ये रहा देखिए, एक ठू बड़ा वाला।
लीजिए। थोड़ा सा मेहनत करने से हम लोग हर समय पे ऐसा काम उम करके हम लोग ये सब जंगल का अंदर पे घुस के हम लोग जंगली सब्जी चुन के हम लोग ले जाता है। आइए, आज हम लोग पहाड़ पे नहीं गया है, हम लोग ये सब बाजार दिन पे हम लोग पहाड़ नहीं जाता है। हम लोग पूरा हफ्ता भर हम लोग काम करके जो रुपया मिलता है ना, उसी रुपया लेके हम लोग बाजार जाता है। बाजार जाके चावल लेके आता है। हम लोग तीन हफ्ता का बाद आज बाजार गया था, बाजार कार लिया दोस्तों, आज चावल मिल गया हम लोगों को, अच्छा लगा है। आई उधर ए रहा देखिए, ऐसा वाला जंगल पे बहुत सारे सब्जी मिल जाता है। ये सब नेंगोल जो सब्जी एक ठो होता है, नेंगोल सब्जी भी मिलता है। हाँ देखिए जी, वो आगे जाके देखिए, अभी देख के देख के लेना पड़ता है, सब जुग भी होता है। इधर एक ठो है, लीजिए। जाने वाला साल पे इसी जगह से हम लोग ओल लेके खाया था, इसी साल पे निकाला नहीं है। यार देखिए, एक ठो ओल निकाला था, इतना बुढ़ा हो गया। ऐसा वाला ओल खाने में अच्छा लगता है, सब कोमला कोमला निकालने का टाइम पे। और दोस्तों देखिए, आज का मौसम देखिए, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यार देखिए, चारों तरफ बादल है, आज इतना पहाड़ क्लियर नहीं है। हाँ चलिए जी। और उधर देखिए, एक ठो केला बागान है। यार देखिए, हम लोग का जमीन होने से हम लोग भी ऐसा केला बागान करता था। हम लोग केला बागान करता है, ये सब पहाड़ में करता है। हम लोग का यहाँ पे सिर्फ सुपारी बागान अच्छा होता है, ये सब आलू खेती, ये सब सब्जी खेती इतना अच्छा नहीं होता है। हम लोग का यहाँ पे सब काम उम करके थोड़ा सा मेहनत करके ये सब जंगली सब्जी मिल जाता है, लेकिन ऐसा आलू ये सब गोभी उभी खेती अच्छा नहीं होता है। देखिए सिलीना जी, माटी कलाई कूट रहा है। देखिए तो हल्का सा बोंस लिया है। और इधर देखिए, थोड़ा सा सुअर का मांस, हम लोग बाजार से हम लोग सुअर का मांस लेके आए। रहा देखिए, आधा किलो 200 रुपया। और देखिए जंगली सब्जी, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही अच्छा होता है। चलिए काट लेता है। ए रहा देखिए, पटक पटक करके टूट जाता है। हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करने से ये सब सब्जी मिल जाता है। सिर्फ हम लोग का यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है, चावल मिलना प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे ना ऐसा रोज रोज मजदूरी करने के लिए नहीं मिलता है, सब काम नहीं मिलता है। बरसात का मौसम पे काफी प्रॉब्लम होता है। ए रहा देखिए, रेडी करिए, माटी कलाई उबाल के लीजिए पहले। माटी कलाई उबालने के बाद में हम लोग जंगली सब्जी दे देगा। चलिए दोस्तों, जंगली सब्जी रेडी कर लिया है। रहा देखिए, रेडी हो गया। चलिए अभी रेसिपी बना लेता है। रहा देखिए, माटी कलाई भी रेडी हो गया। चलिए माटी कलाई उबाल के लेता है, पानी दीजिए। रहा देखिए, तेल मसाला का जरूरत नहीं पड़ता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। रहा देखिए, पानी दे दिया है। रहा देखिए, इतना सा पानी दे दिया है। और देखिए नमक दे रहा है, नमक दे के उबाल के लेगा। और सोडा दीजिए। रहा देखिए, सोडा दे रहा है। और इधर देखिए सुअर का मांस, ये रहा। चलिए सुअर का मांस दे देता है, हम लोग आधा दे देगा, आधा हम लोग काल खाने के लिए थोड़ा सा रख देगा। रखिए जी, कितना? चलिए डिवाइड कर देता है, डिवाइड कर दीजिए, प्लेट पे रख दीजिए। हम लोग आधा किलो सुअर का मांस लेके आने से भी हम लोग दो टाइम तीन टाइम खाता है, एक पीस दो पीस करके मिलने से हो जाता है। ये बनाएगा ना। ए रहा देखिए, सुअर का मांस, चलिए सुअर का मांस दे देता है। ए रहा देखिए, हम लोग का देसी स्टाइल पीक करी। ए रहा देखिए, दे दिया है। चलिए उबाल के लेता है, अभी सब्जी धो के लेके। चलिए दोस्तों, हम लोग का पीक करी रेसिपी उबाल चुका है। ए रहा देखिए, कलर भी मस्त आ गया। चलिए हम लोग अभी जंगली सब्जी दे देता है। ए रहा देखिए, जंगली सब्जी दे रहा है। देखिए हम लोग का सब्जी पूरा गांव का स्टाइल पीक करी रेसिपी, खाने में अच्छा लगता है। और उधर देखिए, थोड़ा सा मिर्ची, हम लोग ज़्यादा मिर्ची नहीं देगा, ज़्यादा मिर्ची देने से बच्चों लोग खा नहीं सकेगा। और हम लोग इतना मिर्ची नहीं खाता है, उस टाइम पे हम लोग 20 रुपया का मिर्ची लेके आया, पूरा हफ्ता भर खाने से भी खत्म नहीं होगा।
देखिए हम लोग एक साथ क्यों नहीं दिया है, ये जो सब्जी होता है नरम सब्जी है, जल्दी गल जाएगा, पहले हम लोग इसे हम लोग सुअर का मांस उबाल के ले लिया है। देखिए चलिए हिला देता है, मिर्ची हो जाएगा। चलिए मिर्ची दे दिया है, कलर भी देखिए मस्त, हरियाली रेसिपी हम लोग का। तो हम लोग सब्जी बना के नहा लिया है, नहा धो के अभी खाना खाने के लिए शुरू कर दिया है। एरा देखिए हम लोग का गर्मा गर्मा भात, गर्मा गर्मा सब्जी, एरा देखिए पीकारी रेसिपी। देखने में दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही अच्छा होता है जंगली सब्जी का साथ। चलिए हम लोग अभी खा लेता है। हम लोग दोस्तों बच्चों लोग का साथ एक साथ बैठ के अभी खाना खाने के लिए नहीं मिल रहा है, बच्चों लोग ट्यूशन ले रहा है बोल के, अभी रिया ट्यूशन से आया है, सेतो ट्यूशन से आया नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग अभी थोड़ा टाइम प्ले कर लेता है, राखी बंद करिए। आमीन। चलिए दोस्तों हम लोग प्रे कर लिया है, अभी खा लेता है। रहा देखिए मस्त पीक करी बना लिया है, मच्छी खिलाए हम लोग का गांव का स्टाइल पीक करी रेसिपी, हम लोग हर समय पे खाता है, आज नया नहीं है क्या जी। हाँ खाइए, खाने में अच्छा लगता है। रहा देखिए पीक करी, बहुत दिनों का बाद आज हम लोग 25 किलो चावल ला पाया, हम लोग 10 किलो कोई 5 किलो ऐसा करके चावल लेके खाता है। हम लोग थोड़ा रुपया मिला था, काम करने वाला रुपया, वो जो मजदूरी करने वाला रुपया हम लोग नहीं मिला था, हम लोग रुपया मिला बोल के आज बाजार गया था, 3 हफ्ता का बाद आज बाजार गया था। चलिए खा लेता है, खाइए। हम लोग को दोस्तों इतना आलू दाल अच्छा नहीं लगता है, हम लोग इसे जंगली सब्जी ज्यादा खाता है इसे चुन चुन के। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे रखता है, वीडियो आप लोग को अच्छा लगने से वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया होने से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।